नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राउंड वी गले का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ, जो कि हम प्लेन कुर्ती के ऊपर प्लेन पट्टियों से तैयार करेंगे। यहाँ पे दोस्तों डबल सेट की हमने पट्टियाँ ली हुई है, एक ग्रीन कलर की होगी और एक रेड कलर की होगी, और ये पट्टी हमारी ओरेव वाली होगी, और इनकी जो हमने चौड़ाई रखनी है 1.25 से 1.5 इंच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1.5 इंच की हमने ये पट्टी ली हुई है इस प्रकार से, और ये वीगला है हमारे पास, ये हमने पेस्ट किया हुआ है कपड़े के ऊपर। तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले जो बाहर वाला कपड़ा होता है उसको हम फोल्ड कर लेते हैं बुकरम के ऊपर। अब गले का सेंटर बनाएंगे। और फ्रंट रखेंगे सीधी साइड ऊपर की साइड, और दोनों के सेंटर मैच करते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे और साइडों में इस तरीके से हल्के हल्के कट लगाएंगे। गले को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे तकरीबन एक पैर चौड़ाई वाली। इस तरीके से हमने सिंपल गला तैयार कर लिया है। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे सिंपल वी गला तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं इस प्रकार के, यहाँ पे इस शेप में हम यहाँ पे कोई भी दोनों साइड निशान कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। अब ये वाली शेप कैसे आनी चाहिए मैं आपको बता दूँ, ताकि दोनों साइड बराबर रहे। हम कोई भी एक बुकरम का पीस लेंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट में ऐसे रखेंगे इस तरीके से एक साइड में, इसको यहाँ पे डबल कर लेते हैं, और यहाँ से हमें निशान लगाना होता है जिस पत्ती जिस सेब में आपने पत्ती कटिंग करनी है उसी सेब में आप यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये हमने एक निशान यहाँ पे लगाते हुए कटिंग की है इस प्रकार की पत्ती, इसको हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में रखेंगे ऐसे, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लिए हैं। इसी सेम में हमें यहाँ पे ऊपर की डिजाइनिंग करनी है। अब हम इस पत्ती की चौड़ाई थोड़ी कम कर देते हैं एक एक पैर इस प्रकार से, और यहाँ पे भी इसमें कटिंग करेंगे। और ये भी हम निशान नीचे की साइड यहाँ पे इस प्रकार से लगाते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी निशान अपना कंप्लीट किया है। अब जो मैंने आपको डबल शेड वाले कलर दिखाए थे उनकी हम इस तरीके की पट्टी तैयार कर लेते हैं, एक पैर चौड़ाई वाली और रेब वाली पट्टी होनी चाहिए इस प्रकार की, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
और अब हमें शुरुआत करनी है एक साइड से, यहाँ पे यहाँ से एक साइड से लगाना शुरुआत करेंगे, किनारी की सिलाई लगाएंगे गले के साथ साथ बिल्कुल। जैसे हमने यहाँ पे पत्ते की गोलाई डाली है सेम उसी के ऊपर निशान के ऊपर यहाँ पे रखते जाएंगे और गोलाई में लगाते जाएंगे ये पट्टी। सेंटर पॉइंट आने के बाद यहाँ पे इस पत्ती को हम इस तरीके से फिनिश करेंगे। इस प्रकार हमने एक साइड में यहाँ पे बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में ग्रीन कलर वाली पट्टी लगाई है, दूसरी साइड में हम यहाँ पे रेड कलर वाली पट्टी लगाएंगे। दूसरी पट्टी की भी शुरुआत भी हम ऊपर से करेंगे। सेम इसी तरीके से गोलाई बनाएंगे जैसे हमने ग्रीन ग्रीन पट्टी की बनाई थी। अब हमें यहाँ पे पट्टी खत्म करनी है तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे नीचे वाली पट्टी हल्की सी खोलते हुए कट कर लेते हैं ताकि ये रेड के नीचे आसानी से दब जाए ऐसे। और सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है, सेंटर हमारा आउट नहीं होना चाहिए। प्रकार हमने यहाँ पे एक बड़ी और एक छोटी पट्टी यहाँ पे बनाते हुए बहुत सुंदर से ऊपर से पट्टी लगाई है। अब इसके साथ में हमें दूसरे कलर वाली रेड वाली पट्टी लगानी है, सेम तरीका सेम होगा, साथ साथ में लगाते हुए इस तरीके से चलेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से इसको घुमाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने दोस्तों इसके साथ साथ में दूसरी पट्टी भी अटैच कर ली है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान रहे हम सिंगल सिलाई से ही पट्टी अटैच करेंगे, यहाँ पे डबल सिलाई आपने नहीं लगानी है, दोनों साइड सिर्फ सिंगल सिलाई लगानी है और इसको अटैच करनी है।
अब दूसरी साइड जैसे अब आ जाता है हमारा नंबर ग्रीन पट्टी का, एक ग्रीन और एक हम रेड इस तरीके से यहाँ पे पट्टी को अटैच करते हुए कंप्लीट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस प्रकार की हमारी यहाँ पे डिजाइनिंग आएगी इस तरीके से, और नीचे की साइड हम फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने पहली पट्टी की है दूसरी पट्टी भी हम ऐसे ही करेंगे और तीसरी पट्टी भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे तीन तीन पट्टी लगाते हुए हम ये डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे तीन तीन पट्टियां दोनों साइड लगाते हुए कंप्लीट किया है डिजाइन को, और सेंटर में हमने इस प्रकार से छोटे और बड़े मोती लगाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो बड़े ही खूबसूरत यहाँ पे मोती लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो हमने गला तैयार किया है, नेकलाइन तैयार की है, बहुत ही प्यारी सी नेकलाइन हमने तैयार की है। बड़ा ही आसान तरीका है दोस्तों ये डिजाइन बनाने का, इसको आप एक बार देखते ही तैयार कर सकते हैं। इसमें और भी काम करना चाहें तो तीन की जगह पांच पट्टी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।